दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यस बैंक का जो हालात आज के समय आप देख रहे हैं, खास करके 5 मार्च 2020 के बाद, ये आप सबसे छुपे नहीं है। लोगों के अपने डिपॉजिट अकाउंट से सेविंग हो या करंट हो, उससे पैसा निकालने के ऊपर आरबीआई ने पाबंदियां लगाई हैं। एक महीने के अंदर 50,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। एक स्पेशल कंडीशंस में, कुछ शादी है या फिर कोई बीमारी है, उसके तहत आरबीआई कुछ छूट जरूर देने की बात कर रहा है। लेकिन जो 50,000 रुपये निकालने हैं, वो भी लोगों को मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब बंद हो चुकी हैं, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं और बैंकों के अंदर लंबी लंबी लाइनें हैं। बैंक खाली जहां है वहां पर पैसा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दूसरी चीज ये है कि क्यों ऐसा हुआ कि आरबीआई के साथ ये सिचुएशन आई। मैनेजमेंट के अंदर मिसमैनेजमेंट का जो हालात थे, औने पौने दामों के ऊपर फंडिंग की गई, कुछ ऐसी कंपनियों को पैसा दिया गया जिनसे वापिस आने की कोई उम्मीद नहीं रही, और ये हालात देखते देखते जब राणा कपूर सीईओ थे, उस समय से सिचुएशन बनती आ रही थी। लेकिन बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सरकार के दबाव में जब उनको हटाया गया, उसके बावजूद भी स्थिति नहीं उभरी। एक समय 2018 में जिस बैंक का, यस बैंक का शेयर 400 प्लस था, वो 6 तारीख को 5 रुपए तक जाकर पहुंचा। ये सिचुएशन आपने देखी। लेकिन जब 5 तारीख को आरबीआई ने 50,000 की लिमिट जब बैंक के ऊपर लगाई, उससे कुछ समय पहले क्या सिचुएशन पैदा हुई थी, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। दिस गुजरात को विड्रो कंपनी विड्रो RS 265 करोड़ आवर्स बिफोर आरबीआई मॉरेटोरियम ऑन यस बैंक। जब आरबीआई ने यस बैंक के ऊपर 5 तारीख को पाबंदी लगाई कि हर अकाउंट से 50,000 रुपए महीने में निकल सकते हैं, उससे कुछ ही समय पहले ये इतना बड़ा अमाउंट यस बैंक से निकाला गया, जिसके तहत कुछ सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई और मार्केट के अंदर आप लोगों ने सिचुएशन देखी। वडोदरा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV ऑफ द वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विड्रो RS 265 करोड़ फ्रॉम यस बैंक ए डे बिफोर द रिजर्व बैंक इम्पोज डे मॉरेटोरियम एंड ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे। ये माना जा रहा है कि जब इस कंपनी ने 265 करोड़ रुपए यस बैंक से निकाले, तो उसके बाद ये खबरें आरबीआई तक भी पहुंची, सरकार तक भी पहुंची। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जब इतने बड़े बड़े अमाउंट यस बैंक से निकल रहे हैं और जो जर्जर हालत के अंदर बैंक पहुंच चुका था, जब उसके अंदर जो कुछ चुनिंदा लोगों के या कुछ चुनिंदा कंपनियों का पैसा जब उसके अंदर बसा हुआ था, और उसमें भी इतना बड़ा बड़ा अमाउंट विड्रा हो करके दूसरे बैंकों में जाने लगा है, तो यस बैंक बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए, ये सिचुएशन देखते हुए ये माना जा रहा है कि आरबीआई ने 5 मार्च को ये कंडीशन लगाई कि कोई भी कंपनी हो, किसी का करंट अकाउंट हो, किसी का सेविंग अकाउंट हो, किसी की कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो 1 महीने तक यानी 3 अप्रैल तक आप 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, ताकि तब तक इस बैंक की सिचुएशन को संभाला जा सके। SBI आज आगे आया है, जिसने 49% शेयर यस बैंक के खरीदने का दावा किया है, अच्छी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लाने का, अपने तरफ से डालने का वादा किया है। कुछ फर्म हाउसेज ये भी कह रही हैं कि 10 रुपये प्रति शेयर तक की बात अभी तक चल रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को रोकने की बात हो रही है। तो ये एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से यस बैंक जो जर्जर बिल्डिंग की तरह हो चुका था, उसको ध्वस्त और गिरने की जो सिचुएशन थी, वो इस बैलेंस की निकासी से कुछ लोग माने जा रहे हैं। ये एक न्यूज है जो छापी गई है, जिसको आप लोग, मैं यहाँ, हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में जानकारी आपसे साझा करना है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज थी, और अगर आप लोगों का भी अकाउंट है, जैसे हमारा भी है, तो हम भी कल देखने के लिए गए थे, 50,000 रुपये चेक से हम निकाल सकते थे और वो हम निकाल के लाए हैं। लेकिन जितना भी अमाउंट यस बैंक के अंदर है, उसके लिए हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोशिश कर रही है सरकार और आरबीआई कि 1 साल से पहले, 1 महीने से पहले ही इस लिमिट को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अगर आपका भी अमाउंट है, तो हौसला रखिए और किसी भी प्रकार की
पैनिक लेने की आपको जरूरत नहीं है, जितना अमाउंट निकल रहा है उतना निकाल लीजिए और बाकी आप लोग वेट कीजिए कि कब इस कंडीशंस को हटाया जाता है या कब आपको आगे अमाउंट में निकालने की परमिशन दी जाती है। अभी तक आपके पास न तो डेबिट कार्ड यूज करने का ऑप्शन है, न नेट बैंकिंग, न मोबाइल बैंकिंग। आपको अगर पैसा निकालना है तो आपको ब्रांच में जाकर ही निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास अभी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और